हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मिनरल्स आर, इनमें से आपका कौन सा मिनरल है? ए नेचुरल सोर्सेस, बी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस, सी एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। जो मिनरल्स है ना, वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस जो एटमॉस्फेयर से कभी खत्म नहीं होते, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस जो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो मिनरल्स है वो क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको बताना है कि पेट्रोलियम में मेनली क्या होता है मिक्स। ए कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बोजेंस, सी हाइड्रोकार्बन्स, डी अल्कोहल। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम का मेन मिक्सचर जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन इज नॉट ए कोल प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा कोल प्रोडक्ट नहीं है? ए कोल टार, बी कोल गैस, सी लाइम। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका लाइम। ये है इसका राइट आंसर। ये क्या होता है, ये कोल का प्रोडक्ट नहीं होता है। कोल तार और कोल गैस तो कोल से ही बनती है, लेकिन जो लाइम है ये चूने से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोकेमिकल, इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल है? ए अमोनिया, बी कोक, सी एसीटोन, डी पैराफिक्स वैक्स। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है पैराफिक्स बैक्स। तो ये जो पेट्रोकेमिकल है ना, इसमें ना अमोनिया है, ना कोक है, ना एसीटोन है। इसका जो है ये पेट्रोकेमिकल जो है, इनमें से पैराफिक्स वैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड, सॉरी कन्वर्शन, कंजर्वेशन इज सॉरी कन्वर्शन। कन्वर्शन मीन्स चेंज होना। देखो, जो डेड वेजिटेशंस होती है, मीन्स पेड़ पौधों की जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे क्या होता है, कोल कैसे बनता है, जब बहुत साल पहले जो है किस बाढ़ की वजह से या किसी भी नेचुरल आपदा की वजह से, जब ये सारी चीज़ें पेड़ पौधे गिर गए और ज़मीन में मिट्टी के नीचे दब गए और लगभग 300 करोड़ साल तक ये दबे रहे, तो ये धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता रहे और ये गहराई में जाते जाते जब पे ऑक्सीजन कम होती रहती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे प्रोसेस होती है ना कोल में कन्वर्ट होने की, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए कार्बोनाइजेशन, बी डिस्टलाइजेशन, सी कोल गैस एंड डी नेचुरल गैस। तो राइट आंसर इसका क्या है? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो ए लाइट पेट्रोलियम गैस, बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी लॉन्ग पाइप ऑफ गैस एंड डी लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर इसका है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो हमारे सिलेंडरों में मिलती है ना, उसे कहते हैं एलपीजी, और उसकी फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड, एक नेचुरल गैस है जिसको हाई प्रेशर से स्टोर किया जाता है। ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी केएलजी एंड डी पीएनपी। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, जिसे व्हीकल्स वगैरह, ऑटो वगैरह आजकल बहुत चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड। रोड पे आपने देखा होगा ना, काला काला सा कुछ डाला जाता है लिक्विड, जिसकी वजह से रोड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है। ए पीट, बी लिग्नाइट एंड सी एंथ्रेसाइट
एंड बी बिटुमिनस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बिटुमिनस, जो कि रोड को ब्लैक ब्लैक करता है ना, जिसको डंबल बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम डंबल बोलते थे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन आर। देखो, जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेंड होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन में, मतलब जब डिस्टिलाइजेशन किसी चीज़ को करते हैं तो वो उसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि ए, कोक, कोल टार, कोल गैस, ठीक है, आपको ये दिया। बी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। सी, पैराफिक्स वैक्स एंड बिटुमिन। एंड डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है, जब डिस्टिलाइजेशन होता है ना, तो अगर हम बात करें ये कोक की, तो ये सब किसका होता है? कोल्स, जो कोल होता है ना, इसी से ही बनता है। तो इसलिए कोक, कोल टार, कोल गैस, ये किसके डिस्टिलाइजेशन से होता है? ये कोल के डिस्टिलाइजेशन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मीनिंग ऑफ ऑयल अंडर द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म एज माइन मीन्स खदानें। ठीक है, तो जो ऑयल की बड़ी बड़ी जो खदानें हैं, जो समुद्र की गहराई में हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ए, डिस्टिलाइजेशन, बी, कार्बोनाइजेशन, सी, सोल माइनिंग एंड डी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका है सोल माइनिंग। ठीक है, जो समुद्र, जो अब हमने पेट्रोल, हमने कोल के बारे में तो मैंने आपको बताया कैसे बनता है, पेट्रोल या ऑयल कैसे बनता है, जो सी होता है ना, समुद्र होता है, वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं ना, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, तो उनके ऊपर रेत की जो है परत पे परत, परत पे परत चढ़ती जाती है। सेम वही प्रोसेस वो और गहराई में जाते जाते हैं, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता जाता है, और प्रेशर की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो किस में चेंज हो जाते हैं? ऑयल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेन कॉन्स्टिट्यूनेंट ऑफ एलपीजी, जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस गैस है, उसमें कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूनेंट, मतलब कौन सी चीज मेन है उसमें मिली हुई? ए, मीथेन, बी, ब्यूटेन, सी, इथेन, डी, प्रोपेन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड के सरफेस में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल, व्हीकल के लिए सबसे कम पोल्यूशन वाला। वैसे तो ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, आप ज़्यादा क्वेश्चन आप ही को दे दूंगी, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो इतने क्वेश्चन दे दिए। ए, कोक, बी, कैरोसिन, सी, डीजल एंड डी, सीएनजी। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे क्या होता है? पोल्यूशन कम होता है, इसलिए ज्यादातर इसको व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, बी, वाटर, सी, सैंड, डी, कोक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सेडिमेंट्री रॉक में जो चट्टानें होती है, धीरे धीरे लेयर बनती जाती है ना समुद्र के नीचे, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, की मतलब रेत पे रेत, रेत पे रेत चढ़ती जाती है, वो नीचे दबता चला जाता है समुद्र में, उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस्ड नेचुरल गैस हैज नॉट बीन फॉर्म्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्लेस है जिसमें नेचुरल गैस नहीं पाई जाती इंडिया में? ए, त्रिपुरा, बी, जैसमिल, सी, मुंबई एंड डी, दिल्ली। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।